सो हेलो एंड वेलकम बैक योर इंड, क्या हाल है? तो सभी के एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। अब देखो इस वाले गेम प्ले में गाइस होने वाले 28 किल, वो भी आज सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर। तो यार गेम प्ले तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ इस वाले गेम प्ले में गाइस ना दो ऐसी चीजें होने वाली ना जिसमें यार सर्वाइव करना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब पहले वाले में तो गाइस मैं 0 HP में गाइस कैसे सर्वाइव कर पाता हूँ पूरा हर्ड ड्रॉप, एंड दूसरे वाले में गाइस बिना एमओ के स्क्वाड कैसे मारना है। बस दो चीजें तुम्हारे साथ आज इस वाले गेम प्ले में होने वाली है, फिर वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। अब यहाँ पे देखो मैं दो बंदों को नॉक कर चुका हूँ, उसके साथ मेरी HP भाई लिटरली 0 HP, मतलब 1 HP तक नहीं है मेरे पास। अब बस देखना इस वाले HP में कैसे सर्वाइव कर पाता हूँ। अब यहाँ पे लिटरली इतने ज्यादा बंदे आए थे ना भाई, मतलब बारी नहीं मिल रहा था, इतने ज्यादा पुष्ट आ रहे थे। फिलहाल जिन दोनों बंदों को मैंने नॉक किया उन दोनों को मैं फिनिश करता हूँ सामने की साइड से, तभी मेरे को पुष्ट आते हैं। और इसको भी मैं यहाँ पे नॉक तो कर लेता हूँ, ये बंदा मेरे को पता था भाई नीचे कूदा है, तो भाई इस वाले बंदे को भी यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। तभी भाई लिटरली शॉट गन लेके बंदा पुश करता है और मेरे पे 0 HP थी। एंड इस बंदे को निपटाने के बाद एंड देखो सामने बंदा दिखता है, भाई मैं इधर की साइड जाता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए था हील। अब जैसे यहाँ पे टीवी भी लेता भाई एक बंदा देखो नीचे की साइड से आ रहा था और सामने भी कुछ बंदे थे। अब जैसे मैं सामने की साइड आता हूँ भाई लिटरली इसके बाद G36 था, तो भाई इसको भी यहाँ पे इजीली फिनिश कर लेते। उसके बाद इसके क्रेट से मतलब G36 उठा लेते क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड ही एमो था। अब इसको निपटाने के बाद देखो सामने की साइड से मेरे को पुश्ट आते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो बंदों को मतलब नॉक कर लिया, एक को फिनिश कर लिया, दूसरे को नॉक किया है, तो भाई फटाफट से इनको फिनिश करते। देखो अब मेरे हो चुके थे 7 किल एंड लगभग अब देखो मेरे आसपास कोई भी बंदा वगैरह नहीं था। और यहाँ से मैं AKM वगैरह उठा लेता हूँ मतलब अपने एमओ वगैरह के लिए। एंड यहाँ पर AKM उठाने के बाद अब सामने की साइड से भी मेरे को पूछने बाद मतलब मेरे को पता चल चुका था भाई बंदा है सामने की साइड। अब यहाँ पर मेरे को याद भी नहीं था कि मेरे पास बैंडेज है। एंड यहाँ पर आने के बाद भाई मेरे को थोड़ा बहुत याद आता कि भाई मेरे पास बैंडेज भी बचे हुए हैं। जैसे मैं रगड़ने लगता हूँ भाई बंदा भी पुश कर देता है। और भाई बंदे को मेरी लोकेशन के बारे में पता था ऑलरेडी। अब मेरे को लगा ये बंदा भाई पुश करेगा तो भाई मेरा मरना है क्योंकि मैं 0 HP में यहाँ से निकलने वाला था। एंड भाई लिटरली पूरा बोट मार के गया मेरे को, मतलब मैंने स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक भाई 0 HP में सर्वाइव किया था। फिलहाल अब आ जाते हैं इस वाले गेम प्ले में जिसमें होने वाले 28 किल एंड वो भी यार सोलो से स्क्वाड के अंदर। अब इस वाले गेम प्ले में तो देखो मैं उतरा था थर्ड हिल के अंदर और थर्ड हिल में गाइस बंदे भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब इस वाले घर के अंदर भी एक बंदा था जो कि ऊपर की साइड था, मेरे को पता था बंदा टीपी भी ले रहा। मैं जैसे ऊपर की साइड जाता हूँ भाई बंदा देखो नीचे कूद जाता है सामने की साइड, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ तभी देखो मेरे को सामने की साइड से एक बंदा स्पॉट होता है। अब इसको नॉक करता हूँ। अब बात उस वाले बंदे की जिसको मैंने थोड़ा सा पहले डैमेज दिया था। अब ये होता है सोलो से स्क्वाड वाला बंदा, इसको मैं इजीली फिनिश कर लेता हूँ। एंड तभी देखो सामने की साइड एक तगड़ी वाली दो स्क्वाड के बीच में फाइट हो जाती है। एंड बस करते हैं थर्ड पार्टी। अब यार सामने एक बंदा ना गाइस रिवाइव दे रहा था, मैं नॉक वाले का किल नहीं ले पाया वरना मेरे 29 किल हो जाते। फिलहाल देखो सामने बोनस की साइड से भी मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप तो आ ही रहे थे। अब यहाँ पर आने के बाद M4 उठाने वाला, बट मेरी गलती से यहाँ पे मिनी 14 उठ जाती है। एंड देखो सामने बंदे को मैं ज्यादा डैमेज तो नहीं दे पाता, मेरे को पता जिस बंदे को मैंने पहले नॉक किया ना भाई ये बंदा उसको रिवाइव देने ही जा रहा है, तो M4 उठाने के बाद मैं डायरेक्टली पुश करने जाता हूँ। अब इसको भी नॉक कर लेता बार थी उस स्कारल वाले बंदे की जिसने मेरे को पीछे से स्प्रे दिया था। और ये उसी का ही टीममेट होता जो कि यहीं पे आ रहा था। अब इन सबको नॉक करने के बाद देखो मतलब बहुत सारे बोर्ड थे यहाँ पर आसपास। अब यहाँ पर देखो पूरा अलग ही सीन हो जाता, मतलब बंदों के साथ साथ यार मतलब बोट भी इतने ज्यादा आ जाते ना, मतलब भाई क्या ही बताऊं। अब फिलहाल देखो मेरे को मतलब जितने भाई किल्स वगैरह चाहिए थे ना भाई वो मिल ही रहे थे क्योंकि मेरे बंदों को भी मारते हो यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह मिलते हैं प्लस सामने।
अब यहाँ पर देखो दो बोट है, जिसमें से भाई एक बोट का किल मेरा बोट चोरा के ले गया है, मतलब वरना 30 किल हो जाते लिटरली। जैसे इनको फिनिश करता हूँ, देखो सामने की साइड से M4 का साउंड आता है, मतलब वहां पे एक रियल बंदे होते हैं, पर उससे पहले अब जिन बोट्स वगैरह को मैंने नॉक किया था उनको मैं फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि भाई जितने भी किल्स मिले हैं भाई सबके सब फॉक करके किले थे भाई, क्यों ही छोड़ना इनको। और फाइनली इन्हीं दो बोटों के साथ अब जाके यहाँ पे थर्ड हिल में भाई सब कुछ खत्म हो चुका, मतलब कोई ना तो कोई बोट था ना कोई बंदा था। एंड उसके बाद से यहाँ पे मैं इजीली थोड़ी बहुत लूट वगैरह करता हूँ। एंड तभी देखो सामने, अब यहाँ पर देखो M4 का साउंड आ रहा था, मैं उस बंदे को ढूंढ ही रहा था। एंड देखो सामने मेरे को कुछ बंदे दिखते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं स्प्रे देने वाला था, फिर मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर मैं स्प्रे देता था ना, हो सकता थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता बंदा, मतलब नॉक भी हो सकता था, मतलब चांसेस तो नहीं थे भाई, हो सकता था, लेकिन अगर होता भी ना तो भी मैं अपनी पोजीशन बताता उस बंदे को। एंड वहाँ पर मैंने स्प्रे नहीं किया ना भाई, उसका फायदा अब देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं क्लोज इन करता ना, देखो सामने अब लिटरली ये बंदे ओपन में भाग रहे थे, एक बंदे को मैं नॉक करता दूसरा बंदा। अब इसको भी मैं UMP का काफी अच्छा खासा डैमेज तो दे देता हूँ, बट अब यहाँ पर देखो मेरा M4 का एमओ वगैरह खत्म था, और ये मेरे को लगा सर इसी का टीममेट होगा, बट देखो ये अलग बंदा था। तो पहले मैं यहाँ पे नोक वाले बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। एंड अब मेरे पास देखो बिल्कुल भी मतलब एक रिलोड का एमओ था, अब मेरे को ऐसा लगा सामने एक बंदा होगा। एंड देखो तभी एक गाड़ी भी आ जाती है। अब यहाँ पर देखो सामने की साइड होते पूरे के पूरे 3 बंदे, और मेरे पास सिर्फ एक बंदे को मारने तक का एमओ था, तो पहले मैं यहाँ पे एमओ वगैरह ढूंढने लग जाता हूँ। बट यार यहाँ पर देखो मेरे को एक भी एमओ वगैरह नहीं मिलता, तभी देखो सामने वो वाला बंदा ना भाई ओपन में अपने टीममेट का क्रेट लूटने जाता है। अब इस बंदे को तो यार मैं नॉक कर लेता हूँ, बट देखो सामने की साइड होते 2 बंदे, तो भाई अब मेरे पास एमओ वगैरह तो था नहीं, तो भाई मैंने सोचा कि यार ग्रेनेड ही कर लेते हैं। बट मेरे को समझ ही नहीं आया भाई ये ग्रेनेड मिस कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एमओ वगैरह तो था नहीं, बट फिर भी मैं पुश करने के लिए आ जाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एमओ वगैरह लूटता हूँ, मतलब इस वाली क्रेट से, तो यहाँ पे एमओ तो नहीं मिलता, बट मैं ऊजी उठा लेता हूँ। अब इसके होते 2 टीममेट जो कि होते ऊपर की साइड कैंप कर रहे थे, मैं इसको लूटता हूँ ना भाई, यहाँ से मेरे को एमओ भी मिल जाता है और देखो एक ग्रेनेड भी मिल जाता है। तो भाई ये बंदे मतलब अपने टीममेट को भी बचाने नहीं आए, तो इसका मतलब भाई ये बंदे गंदे वाले कैंपर्स होंगे, तो मेरे को पता था बंदा ऊपर कैंप कर रहा है, तो पहले मैं अपनी ग्रेनेड कुक करता हूँ। और भाई एक बंदा इस वाले ग्रेनेड से नॉक भी हो जाता है ना बार थी पुश करने की। और भाई इसी के साथ इस वाले स्क्वाड को भी मैं आपको इजीली आप निपटा देता हूँ। अब इस वाले स्क्वाड को निपटाने के बाद अब यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे लूट करता, उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट की साइड भी कुछ गन साउंड्स वगैरह आ रहे थे, तो गार्ड देख मैं डायरेक्टली यहीं पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो सामने मेरे को M4 का स्प्रे देता हूँ, बंदा तो स्पॉट हो चुका था, बट मैं वहाँ पे गाड़ी लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे कितने भी बंदे हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ मेरे को यहाँ पे 2 बंदों के पूछते आते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ। इस वाले बंदे को मैंने काफी डैमेज दिया था, एंड उसका दूसरा वाला बंदा पता नहीं यार कहां भाग जाता है। फिलहाल इस वाले बंदे को मैं अब इजीली नॉक कर लेता हूं। अब बात थी इसके वाले टीममेट्स की। अब देखो पीछे की साइड भी UMP वगैरह चल रहा था। फिलहाल इसके टीममेट का भाई गेम शायद से क्रेश हो चुका था, इसी वजह से वो बंदा ऑफलाइन खड़ा था वहां पे। एंड इस बंदे को निपटाने के बाद अब बात थी भाई पीछे वाले UMP वाले बंदे की। तो भाई घर देख मैं डायरेक्टली उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, काफी देर तक ढूंढता हूँ बट बंदा नहीं मिलता है। एंड फाइनली सामने अब यहाँ पर इस वाली टंकी के ऊपर भाई बंदा मेरे को मिल जाता, मतलब स्पॉट हो चुका था मेरे को। तो भाई मेरे को लगा बंदे के पास जी 36 होगा, बट इस वाले बंदे के पास होती AK मैंने बस। देखो अब इस बंदे को निपटाने के बाद देखो मेरे 23 किल हो चुके थे। अब जितने भी बंदे भाई लास्ट में मिलते ना, मतलब बीच में जितने भी बंदे वगैरह होते ना, सबके सब गेम क्रेश की वजह से मतलब बाहर जा चुके थे, ये अकेला ही बंदा बचा था। अब उन बंदों को ढूंढते मैं सीधा गाड़ी घुमा रहता, तभी देखो सामने
मेरे को लगा यार बंदे वगैरह बचे होंगे, मैं शायद से एक स्कोर तो मिल ही जाएगी मेरे को, पर यहाँ पर होते कुछ बोर्ड्स वगैरह। अब पता नहीं यार मतलब इस मैच के अंदर भाई ज़्यादा बोर्ड्स वगैरह नहीं आते, बट आधे के अंदर क्या ना किस गेम ना क्रेज हो जाता है, एंड इस वजह से यार मतलब आधे बंदे लास्ट में सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली आई होप यार ये वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आएगा, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आता सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।